हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 अगस्त 2018 की प्रीलिम सब्जेक्ट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज की जो पहली न्यूज आई है वो आई है रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में। बेसिकली इसमें पांच जो इम्पोर्टेंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग के, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो एक बार उनके बारे में हम जानेंगे, क्या थोड़ी प्रोसीजर है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से पांच प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि किस अथॉरिटी के द्वारा इनका काम है वो क्या जानना है। तो देखो, केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही धमन गंगा पिंजाल जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसकी बात की गई है। इसके बाद में बात यहाँ पे की गई है परतापी और नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग के, और गोदावरी और कावेरी, और इसी के साथ ही बात में की गई है पार्वती और कालीसिंध प्लस चंबल, ये तीन नदियों के द्वारा आपस में इंटरनेट करने की बात है। तो देखो, एक बार हम इन तीन चारों ही सॉरी पांचों ही नदियों को डिस्कस कर लेते हैं मैपिंग के थ्रू, ताकि पता रहे कि कौन कौन से स्टेट में, क्योंकि देखो यूपीएससी की बार स्टेट के बेस पे क्वेश्चन पूछती है कि कौन कौन से स्टेट को इससे फायदा वगैरह हो सकता है, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। बेसिकली जो ये पांचों प्रोजेक्ट है ये पेनिनसुलर रिवर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर के बारे में। तो गोदावरी और कृष्णा रिवर है उससे बेसिकली दो स्टेटों को फायदा होगा, एक तो आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना मेनली। इसका कुछ बेनिफिट है वो तमिलनाडु को भी होने वाला है, तो वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो ये तो होगी गोदावरी रिवर। इसके बाद में बात करें कृष्णा रिवर की, तो ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है कृष्णा रिवर, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रही है, ये है कृष्णा रिवर। तो इन दोनों ही नदियों को यहाँ पे इंटरलिंक है वो किया जा रहा है, तो इससे कुछ बेनिफिट है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को होने वाला है इस स्टेट में, इस हिस्से में, और यहाँ पे जो बेनिफिट होगा वो तेलंगाना को भी होने वाला है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि गोदावरी और कृष्णा रिवर की इंटरलिंकिंग से कौन कौन से स्टेट को बेनिफिट हो रहा है वो थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान वो रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, अगला जो यहाँ पे किया गया केन बेतवा। देखो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो काफी सुर्खियों में रहा है 2-3 साल से, क्योंकि केन और बेतवा रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं, तो बीच में जो ये एरिया आता है ना जिसे इंटरलिंक कर रहे हैं, ये आता है एक्चुअली पन्ना टाइगर रिजर्व का, और पन्ना टाइगर रिजर्व को लेके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ही काफी बड़े इशू उठे हैं कि भाई रिवर इंटरलिंक कर रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो सकता है, इसके साथ ही और भी काफी तरीके के नुकसान है वो हो सकते हैं। तो इसीलिए केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो काफी सुर्खियों में रहता है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि बेसिकली ये मध्य प्रदेश में ये यहाँ पे केन रिवर है और ये बेतवा है। इससे जो बेनिफिट होगा वो होगा बुंदेलखंड रीजन को, उसको काफी ज्यादा फायदा इससे होने वाला है, तो ये चीज थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं प्रभाती कालीसिंध और चंबल नदी। कीच गए प्रभाती रिवर लिखा होता है, कीच गए पार्वती लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, ये है राजस्थान और कुछ हिस्सा इसका आता है इसमें, एक बात करें मध्य प्रदेश का, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें चंबल रिवर है, फिर काली सिंध है, और फिर ये प्रभाती रिवर, तीन रिवर है, तीनों ही रिवरों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है ताकि इस वाले एरिया में जो पानी की कमी है उसको दूर किया जा सके, तो ये तीनों हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे जो कहता है परतापी और नर्मदा। देखो नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है इन दोनों को इंटरलिंक करने से बेनिफिट है वो राजस्थान को भी होगा, इसी के साथ ही कुछ बेनिफिट महाराष्ट्र को होगा और मध्य प्रदेश को भी होगा और गुजरात को भी होगा, तो इन चार स्टेट का ही ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान है वो रखना है। देखो बेनिफिट की जब भी हम बात करते हैं तो बेनिफिट तो बहुत तरीके के होते हैं, एक तो पानी को कंजर्व किया जाएगा, इसके साथ ही वो पानी है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज है वो किया जा सकता है। इसी के साथ ही कुछ रिवर में जैसे फ्लड आ रही हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे चंबल और कालीसिंध को कनेक्ट किया जा रहा है, तो सपोज करो कि चंबल में बाढ़ आ रही है तो वो पानी कालीसिंध में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे कि पानी को यूटिलाइज है वो सही ढंग से किया जा सकता है। तो इस तरीके से पानी को यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा और वो एरिया जहाँ पे पानी की कमी है उन वाले एरिया में पानी को भेजा जाएगा। जैसे कि केन बेतवा रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे बुंदेलखंड का रीजन आता है यूपी का, उस वाले रीजन को बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उसमें काफी सूखा पड़ता है हर साल, तो वहां अगर पानी पहुंचेगा तो वो लोग खेती कर सकते हैं और अपनी आजीविका दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं धमन गंगा और पिंजाल रिवर के बारे में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाता है, इनके बारे में भी थोड़ा हमें देखो ध्यान है वो रखना है, क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेती है तो वो काफी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो वो आजकल जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना वो काफी चेंज हो गया है, पहले तो बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ ले जाते थे, बट आजकल थोड़ी डायमेंशन वगैरह है वो काफी चेंज हो गई है, तो इसलिए थोड़ा हमें फोकस और ज्यादा करने की जरूरत यहाँ पे पड़ जाती है। तो इसी तरीके से एक एक करके जो प्रोजेक्ट है वो हमने यहाँ पे देख लिए। बात करें हम यहाँ पे दमनगंगा और पिंजाल रिवर की, वो बेसिकली आती है महाराष्ट्र और इस वाले एरिया में आप यहाँ पे देख सकते हो।
मतलब ये महाराष्ट्र वाला एरिया यहाँ पे आती है, तो इनमें कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है कि भाई है कहाँ पे, हम सोचते हैं कि नॉर्थ इंडिया में वगैरह। ये सारी जो मेनली प्रोजेक्ट है ये पेनिनसुलर लेवल के, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके प्रोजेक्ट है इंटरलिंक करने के लिए। अब इन बात करें हम इन रिवर को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट हो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काम किया जाता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत। बेसिकली इसको बनाया गया था 1982 में जुलाई के दौरान, और ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 है, इसके तहत इसको बनाया गया। मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, उसके तहत नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का निर्माण है वो किया गया था। इसका काम यही है कि जो रिवर्स हैं इनके बीच में पानी का बैलेंस बना के रखना, वाटर का बैलेंस बनाए रहे, और इसके साथ ही पानी वगैरह भी स्टडी हो करती है कि किसी एरिया में पानी का ज्यादा इश्यूज वगैरह ना हो। ये बेसिकली इसके काम है। ये हमें ध्यान रखना है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको बनाया गया था, वो रिसेंटली नहीं बनी है, बहुत पुरानी बॉडी है, मतलब 1982 में इसको बना लिया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है बेसिकली चंद्रयान 1 मिशन के बारे में। देखो चंद्रयान 1 मिशन को बेसिकली बात करें 10 साल हो चुकी हैं, और अभी इसके द्वारा एक डाटा है वो रिलीज किया गया है, तो उसको लेके भी न्यूज है वो आई है। आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 मिशन है वो जुलाई 2008 में लॉन्च हो किया गया था इसरो के द्वारा, ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके बाद में 2009 में अक्टूबर में इसने काम करना बंद कर दिया था, और इस मतलब सिग्नल वगैरह यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए थे, इंडिया से कोई संपर्क वगैरह नहीं रहा था। बट अभी रिसेंटली चंद्रयान 1 मिशन का डाटा आया है, उससे पता चला है कि जो मून है उसकी जो सरफेस है उसमें कुछ डार्केस्ट, मतलब एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे काफी अंधेरा है पोलर साइड में, और काफी ठंडा हिस्सा है वो मून का, उस वाले हिस्से में फ्रोजन बर्फ के सबूत है वो मिले, मतलब वहां पे बर्फ का साक्ष्य है वो पाए गए हैं, तो उसको लेके भी न्यूज है वो आई है। तो यूपीएससी पूछ सकती है चंद्रयान 1 मिशन के बारे में भी, और यहाँ पे फ्रोजन के बारे में कि किसके द्वारा डिस्कवर है वो क्या गया है, तो भाई चंद्रयान 1 जो मिशन था उसके तहत ही। अब देखो चंद्रयान 1 मिशन में एक चीज यूज की गई थी, या एक इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो, एक तरीके के उपकरण बोल सकते हो, जिसका नाम है मून मिनरोलॉजी मेपर M3। मून मिनरोलॉजी और मेपर्स मतलब मून के ऊपर जो मिनरल्स हैं, मतलब चंद्रमा के ऊपर जो मिनरल्स हैं उनको मैपिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, जो बनाया गया था नासा के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मून मिनरोलॉजी जो मेपर इंस्ट्रूमेंट या जो उपकरण बनाया गया था वो बनाया गया था बेसिकली नासा के द्वारा, बट वो था एक्चुअली चंद्रयान 1 मिशन में। तो उसकी हेल्प से अभी डाटा आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई मून की जो साउथ पोलर वाला हिस्सा है उसमें एक्चुअली बर्फ के सबूत है वो मिले, मतलब फ्रोजन वाटर के साक्ष्य वहां पे पाए गए हैं, तो उसको लेके भी न्यूज आई है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अहम बात क्या है कि चंद्रयान 1 मिशन है वो इंडिया का पहला लूनर प्रोब मिशन था, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। चंद्रयान 2 है अभी इसरो उसकी तैयारी कर रहा है, जल्दी उसको लॉन्च है वो किया जाएगा। खैर ऑफिशियल डेट तो अभी अनाउंस नहीं की गई, काफी डिले हो रहा है, बट फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए चंद्रयान 1 मिशन के बारे में भी, क्योंकि कई बार यूपीएससी है वो पीछे के क्वेश्चन पे भी बैकफायर करके पूछ लेती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है लार्जेस्ट 3D प्रिंटिंग रीफ के बारे में। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि विश्व में सबसे बड़ी जो प्रिंटेड कोरल रीफ है वो बनेगी है, मतलब कृत्रिम कोरल रीफ का निर्माण किया गया है, और वो मालदीव का एक आइलैंड है जिसका नाम है समर आइलैंड, वहां पे इसको स्थापित या वहां पे उसको रखा गया है। देखो आपको पता है कि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे में सी का लेवल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और मालदीव है वो हमें पता है कि एक आइलैंड कंट्री है, मतलब टापू वाली कंट्री है, तो वहां पे भी अगर पानी का स्तर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उन लोगों को दिक्कत आने वाली है। इसके साथ ही ओशियन जो इकोसिस्टम, या हम बात कर सकते हैं कि समुद्री जो मरीन रिसोर्सेज हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गई है, कोरल रीफ हो रही है, इनको काफी नुकसान पहुंच रहा है, और बेसिकली मालदीव जैसी कंट्री है वो कोरल रीफ की हेल्प से ही बनी हुई है, मतलब धीरे धीरे कोरल रीफ का वहां पर डिपोजिट होता रहा था और फिर धीरे धीरे ऊपर वो बाहर पानी के बाहर आ गए, तो वो मालदीव के रूप में एक नई कंट्री बना था। तो वहां पे जो कोरल रीफ है इनको बचाने के लिए ही एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ है वो बनाई गई है 3D प्रिंटर की हेल्प से, और उसको विस्थापित किया गया है ब्लू लेगून में। तो ब्लू लेगून है वो आता है बेसिकली समर आइलैंड में, जहाँ पे नई इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कोरल रीफ का एक 3D प्रिंटेड कोरल रीफ तैयार करके वो समुद्र में डाली गई है, और उसकी हेल्प से वहां पे इकोसिस्टम को बचाया जाएगा। तो ये कुछ कंटेक्स्ट था, तो हमें ध्यान रखना है कि विश्व की लार्जेस्ट जो 3D प्रिंटेड कोरल रीफ है वो मालदीव का समर आइलैंड है, और उसमें एक ब्लू लेगून है वहां पे उसको स्थापित किया गया ताकि कोरल्स को बचाया जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी बढ़ रही है, उससे भी निपटने के लिए काफी अहम चीजें हो जाती है इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, तो ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है बेसिकली कल का है, कल द हिंदू में इसके बारे में डिस्कशन एडिटोरियल में आया था, वो है हिल्सा फिश के बारे में। देखो हिल्सा फिश है उसको किंग ऑफ फिश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो डिजाइन होती है, इसका कलर होता है वो काफी फेयर होता है। बट अहम बात है कि मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब काफी महंगी फिश है ये पाई जाती है, काफी महंगी ये फिश होती है। पाई कहाँ जाती है? ये बेसिकली पाई जाती है बे ऑफ बंगाल में, म्यांमार और बांग्लादेश वाले जो फ्रेश और जहाँ पे सोल्टी वाटर मिक्स होता है मतलब डेल्टाई जो एरिया होता है उस वाले में ज्यादातर। तो ये जब भी जो ब्रीडिंग का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश की पद्मा रिवर है और मेघना रिवर है इन दोनों के संगम वाले एरिया में काफी ज्यादा ब्रीडिंग करते हुए पाई जाती है। तो अभी इसके बारे में न्यूज है वो आई थी, तो हमें पता होना चाहिए कि हिल्सा फिश है वो बेहू बंगाल के म्यांमार और बांग्लादेश वाले रीजन में बेसिकली पाई जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था छोटा सा जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट चीज की यही है कि ये फ्रेश वाटर और सोल्टी वाटर दोनों का जो मिक्सअप वाला एरिया होता है मतलब डेल्टाई क्षेत्र, वहां पे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो केरला की फ्लड के बारे में है। देखो केरला में भी जो फ्लड है उसको नेशनल डिजास्टर है वो घोषित कर दिया गया। तो एक दो फैक्ट्स हम यहाँ पे ये जानते हैं कि भाई नेशनल जो डिजास्टर को कौन तो डिक्लेयर करता है और क्या इसके बेनिफिट होते हैं, थोड़ी प्रोसीजर वगैरह को हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो वैसे तो नेशनल डिजास्टर की कोई क्लियर डेफिनेशन है नहीं कि भाई ये अगर ऐसे ऐसे कुछ होता है तो वो नेशनल डिजास्टर में काउंट होगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही। तो अभी बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके तहत केरला में जो फ्लड आई है उसको नेशनल डिजास्टर कहा गया है। बट बेसिकली मोटी मोटी अगर हम परिभाषा की बात करें डेफिनेशन की, वो ये है कि या तो कोई नेचुरल रीजन हो या फिर कोई मैन मेड रीजन हो उसकी हेल्प से कोई भी दुर्घटना घट रही है जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो केरला में जो फ्लड आई है वो बहुत बड़े लेवल पे आई है और उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही जो कम्युनिटी है, एनिमल्स है, प्लांट, बायोडाइवर्सिटी, हर चीज को उसने तहस नहस कर दिया है। इन सारे क्राइटेरिया के आधार पर उसे नेशनल जो डिजास्टर है या बोल सकते राष्ट्रीय आपदा है वो घोषित किया गया है। तो ये एक बेसिकली मोटी मोटी सी डेफिनेशन है। बेसिकली सारा काम देखो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है वो करता है। खैर स्टेट गवर्नमेंट है, पहले वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अनुमति दे देती है। बट सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो ध्यान दे। अब देखो जो भी नेशनल डिजास्टर होता है तो इस दौरान क्या बनाई जाती है, सबसे पहले बनाया जाता है CRF, आपदा राहत निधि बनाई जाती है। ये जो रिलीफ फंड है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। तो ये जो ही जब ये कॉलोनिटी राहत फंड या कॉलोनिटी आप बोल सकते हो कि रिलीफ फंड बनाया जाता है तो इसमें 3% जो हिस्सा है, सॉरी आप बोल सकते हो कि तीसरा हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है और ये मिला के पूरा फंड बनता है और इस फंड का यूज किया जाता है डिजास्टर से निपटने के लिए। बट इनकेस बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो ये आपदा राहत निधि बनाई गई थी, रिलीफ फंड बनाया गया था कॉलोनिटी रिलीफ फंड, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता मतलब इसका पैसा कम पड़ जाता है तो उस कंडीशन में नेशनल गवर्नमेंट है, आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नेशनल कॉलोनिटी कंटिजेंसी फंड है उसका निर्माण करती है, मतलब राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि का निर्माण करती है जिसमें 100% पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ताकि आपदा बहुत बड़े लेवल पे हो गई है उससे निपटा जा सके। तो ये थोड़ी हमने प्रोसीजर देखी कि किस तरीके से वहां पे काम वो करती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का बजट है वो दिया है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो आपदा से निपट सके और बाकी जो एक्टिविटीज है वो चल रही है। तो ये थोड़ी हमने प्रोसीजर देख लिया कि किस तरीके से। तो यहाँ पे एक तो UPSC पूछ सकती है कॉलोनिटी रिलीफ फंड के बारे में कि भाई पूरा पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो भाई ऐसा नहीं है, एक हिस्सा है वो सेंट्रल सॉरी एक हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, 3 हिस्से हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मतलब हम ये कह सकते हैं सीधी सी बात ये कि 75% जो पैसा है वो तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट बना के इस फंड को तैयार करती है। और जब हम बात करें नेशनल कॉलोनिटी कंटिजेंसी फंड की, उसमें 100% पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो इकोनॉमी को लेके आया है। तो इकोनॉमी में एक वर्ड आता है लेमन प्रॉब्लम, तो उसके बारे में भी आया है तो वो देख लेते हैं क्या होता है। तो कई बार UPSC पूछ लेते हैं कि लेमन प्रॉब्लम वगैरह इस तरीके से। देखो लेमन प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो 1970 के टाइम पे USA में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज अकरलो, इनके द्वारा बेसिकली ये दिया है वो गया था। क्या है ये कॉन्सेप्ट वो हम देखते हैं। देखो जो लेमन प्रॉब्लम है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बायर मतलब जो खरीदने वाला है और जो सेलर है जो सेल करने वाला है, इन दोनों के बीच में अगर इंफॉर्मेशन का गैप हो जाता है तो मार्केट में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो डाउन हो जाती है। ये तो है बेसिकली इसका सीधा सीधा मतलब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको और भी सिंपल वे में थोड़ा मतलब डिफाइन करें तो कहने का मतलब ये है कि देखो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं
उनके बारे में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेलर के पास होती है। सेलर को पता होता है कि उसकी दुकान में कौन सी चीज की क्वालिटी कैसी है, कौन सी कैसी चीज है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली भाई सेल कर रहा है तो उसे तो पता होना चाहिए सारी चीजों का, और उसे पता भी होता है। और बायर जो खरीदने वाला होता है उसे पता नहीं होता है क्वालिटी के, इसीलिए तो हम कई बार दुकानदार से पूछते हैं कि भाई जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज है वो दे दे। तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। बट आप ये देखिए, बाई चांस सेलर इस चीज का फायदा उठा ले कि जो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट है उनको बेचने लग जाए, तो वो आती है यहाँ पे लेमन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाती है। मतलब सेलर और जो बायर है उनके बीच में इन्फॉर्मेशन का गैप हो गया। सेलर को चीजें पता है बट सेलर है वो बायर को बता नहीं रहा है कि भाई इसमें ये चीज की कमी है, ये चीज अच्छी है वगैरह है। तो उस कंडीशन में सेलर क्या करेगा, उसके पास जो खराब क्वालिटी की चीजें हैं उनको बेच देगा। तो वो होती है लेमन प्रॉब्लम इकोनॉमी में, मतलब जो फूड की क्वालिटी है, फूड का मतलब आप ले सकते हो कि मार्केट में कोई भी ऐसी चीज है उसकी क्वालिटी तो बेकार है बट फिर भी उसको सेलर बेच रहा है क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन का गैप है और उसका फायदा बेसिकली सेलर उठा रहा है, तो वो लेमन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाती है। नेक्स्ट जो एक छोटा सा आर्टिकल है वो आया है नासा का इनसाइट स्पेसक्राफ्ट या नासा का इनसाइट मिशन ले सकते हो। देखो बेसिकली बात ऐसी है कि नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम चलाया गया था स्पेस को डिस्कवर करने के लिए, और उसी का एक पार्ट था इनसाइट मिशन, और जो इनसाइट मिशन है वो बेसिकली कंप्लीट किया जा रहा था इनसाइट स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से। तो नासा का मिशन है, पहली चीज तो ये हमारे लिए हो गई। अब होगा क्या, जो ये इनसाइट स्पेसक्राफ्ट है ना, ये एक तरह का एक रोबोटिक आर्म है, आप बोल सकते हो कि रोबोटिक लैंडर है, मतलब रोबोट है जो लैंड करेगा सरफेस पे, और उसके बाद सरफेस कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली मार्स की स्टडी के लिए है, मतलब मंगल ग्रह का जो इंटीरियर है, मंगल ग्रह का जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी के लिए इनसाइड स्पेसक्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बन जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अहम बात यह है कि जो मंगल ग्रह है उसकी सतह के नीचे जाके ये स्टडी करेगा ये इनसाइड स्पेसक्राफ्ट, और ऐसा पहला मिशन है नासा का जो बेसिकली इस तरीके के मतलब अंजाम दे रहा है इस तरीके के, आप बोल सकते हो कि मिशन वगैरह को, प्रोग्राम वगैरह को। तो हमें ध्यान रखना कि इनसाइट मिशन है वो मार्स से रिलेटेड है मंगल ग्रह से, और उस मंगल ग्रह का जो इंटीरियर है उसके बारे में डिस्कस करेगा ये एक लैंडर है जो कि नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।